हेलो दोस्तों, मैं नदीम खान, आपका हम अपने इको एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज नए वर्ष के अवसर पे हम अपनी संस्थान की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका ये नया वर्ष आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। और इसके साथ ही उम्मीद करते हैं, उन कामना करते उन स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट ईयर सक्सेस नहीं हो पाए, उनके लिए हम कामना करते हैं कि इस बार वो अपने लक्ष्य में, अपने टारगेट में जरूर सफल हो जाए। मेरी ईश्वर से यही आराधना है और मेरी कोशिश भी है कि मेरी कामना भी यही है कि जो भी स्टूडेंट अपने कोशिश में, अपने टारगेट में लगे हुए हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाए। तो चलिए, इसी के साथ हम नए वर्ष के साथ ही अपने जो क्लास, आपको पता है कि मैंने कंपटीशन का जो क्लास स्टार्ट किया है उसका ये सेकेंड वीडियो लेक्चर है। और आज हम अपने वीडियो में अपने भारत के भूगोल के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहला वीडियो लेक्चर हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे आपको प्रोवाइड कराया है, बहुत लोगों का प्यार मिला उसमें, बहुत लोगों का सपोर्ट मिला और उम्मीद करता हूँ ये भी वीडियोस आपको बहुत ही हेल्प करेगी, बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो जो लोग नॉलेज के पर्पज़ से भी देखना चाहते हैं वो भी इसे देख सकते हैं। और इस वीडियोज़ में आपको भारत के भूगोल से संबंधित एक ओवरव्यू, एक अच्छा खासा डिटेल नॉलेज मिल जाएगा, जिससे आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं इस टॉपिक से, वो सभी ऑब्जेक्टिव्स आप खुद ही बना सकते हैं, खुद सॉल्व कर लेंगे बहुत ही ईजी वे में, अगर ये टोटल कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को बिल्कुल ही स्किप न करें और लास्ट तक जरूर देखें, बहुत कुछ सीखने को आपको, नया सीखने को मिलेगा इसमें। हो सकता है आप बहुत कुछ चीज़ें जानते भी हो और बहुत सारी चीज़ें आपको नई भी सीखने को मिलेगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए और आज के अपने टॉपिक, इट मीन्स भारत के भूगोल पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम आज के अपने टॉपिक में देखते हैं अपना भारत का भूगोल, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो भारत है वो हमारे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में आता है, ठीक है। हम समझाएंगे ये आपको विषुवत क्या है और देशांत, विषुवत रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है, आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ बस ये समझ लेते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में, ये नॉर्थ पोल है, इट मीन्स ये इसके उत्तरी ध्रुव में आता है हमारा भारत। और अगर हम बात करें देशांतर की तो ये पूर्वी देशांतर के बीच में, इट मीन्स ये लोकेशन होता है हमारे इंडिया का। तो चलिए अब इंडिया के बारे में, ये हमारा इंडिया, इट मीन्स भारत, ये कॉन्स्टिट्यूशन रूप से हमारे कंट्री का यही नाम ऑथराइज्ड है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, पहले इंडिया को समझते हैं। तो बहुत लोगों को पहले तो इसके स्टेट के नाम प्रॉपर आपके दिमाग में इसका पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। तो चलिए एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं पहले सभी स्टेट का। तो ये आपका जो इलाका है जिसे आप जम्मू कश्मीर कहते थे, अब तो डिवाइड हो गया है, अब ये हो गया लद्दाख, ये अब तो आपका संघ शासित क्षेत्र बन गए हैं, बल्कि राज्य नहीं रहे, फिर भी ये आपका लद्दाख हो गया, ये इलाका आपका जम्मू कश्मीर हो गया और यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, ये है आपका पंजाब, यहाँ पे हरियाणा आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आएगा आपका राजस्थान, ये हो जाएगा आपका गुजरात, यहाँ पे हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, और ये होगा गोवा, ये होगा कर्नाटक, यहाँ पे आएगा आपका केरल, यहाँ फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे आ जाएगा आपका बिहार, ठीक है, और फिर नीचे पड़ेगा उसके झारखंड, और फिर इस तरफ पड़ेगा आपको, यहाँ पे पड़ेगा छत्तीसगढ़, और ये होगा आपका मध्य प्रदेश, और ये होगा यूपी, और ये होगा उत्तराखंड। तो ये तो एक लोकेशन है, एक कॉन्टेस्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। और इधर पूर्व के राज्यों में हम देखें तो ये होता है, इट मीन्स हम जानते हैं 7+1 बोलते इसे, क्योंकि 7+1 ये 8 बहनें कही जाती हैं, ठीक है। तो ये आया आपका, पहले देखते सिक्किम, ये है आपका, यहाँ पे होगा आपका असम, यहाँ पे होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे होगा आपका नागालैंड, ये होगा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये मेघालय।
ये एक्चुअली क्या है, त्रिपुरा को तीनों तरफ से बांग्लादेश ने घेर रखा है, इसीलिए जनरली इस तरह से भी त्रिपुरा याद रहता है आपके दिमाग में, ठीक है। और ये हो गया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये हो गया आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो ये तो हुआ हमारा भारत का एक समग्र, मतलब एक जानकारी जो आपके सभी स्टेट का लोकेशन जो आपके दिमाग में हमेशा कंठस्थ होना ही चाहिए हर हाल में। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लोकेशन आपके दिमाग में होना ही चाहिए। तो ठीक है, आप एक दो बार इस तरह रिवाइज करेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके कुछ पड़ोसी देशों को देखते हैं और समझते हैं कि भारत के पड़ोसी मुल्क क्या है। अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो ये है आपका पाकिस्तान, जो हमारे उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में पड़ता है पाकिस्तान। इसी के ऊपर जस्ट आपका अफगानिस्तान पड़ जाएगा, फिर इधर आपका पड़ जाएगा चाइना का ये क्षेत्र है, ठीक है। ये नेपाल हो जाएगा, ये भूटान, और यहाँ पे आपका म्यांमार आएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे आपका पड़ेगा जो है वो है श्रीलंका। ये सारे हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जो हमारे देश से जुड़े हुए हैं। कुछ आपको ये देख रहे हैं तटी रेखा, ये कुछ जो श्रीलंका है ये तट रेखा के द्वारा जुड़ा हुआ है, और ये है आपका स्थलीय सीमा रेखा से ये जुड़े हुए देश हैं, ठीक है। तो अब इनको हम समझते हैं। एक कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि कौन सा देश किन किन राज्यों को संपर्क करता है, इट मीन्स किन किन राज्यों से लगा हुआ है। तो एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, याद हो जाएगा आपको मैप देख कर ही कि हाँ कौन सी कंट्री किस राज्य से सीमा साझा करती है, किसकी सीमा से लगती है। तो एक बार देख लेते हैं, पाकिस्तान जो है वो हमारा यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और ये आपका जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों से लगता है, और ये लद्दाख के क्षेत्र से, ठीक है। इतने सारे पांच स्टेट, इट मीन्स लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, एकदम याद होना चाहिए आपको। इन राज्यों से आपका जो सीमा साझा करता है वो पाकिस्तान से, ये सारे राज्य सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे जो आपका लद्दाख का क्षेत्र है वो पहले जो जम्मू कश्मीर में आता था वो करीब सिर्फ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करती है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। अब तो ये POK का क्षेत्र है, आपको अच्छी तरह पता है कि ये अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, इट मीन्स जो अब भारत के पास नहीं, इट मीन्स पाकिस्तान के पास ये क्षेत्र है, ठीक है। अब ये देखते हैं, उस टॉपिक में हम नहीं जाते डिप में, आगे बात करते हैं, देखते हैं। ये है आपका चाइना का क्षेत्र, चाइना में जो होता है ये आपका लद्दाख, और यहाँ आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, नीचे आ जाएगा आपका उत्तराखंड। अब इधर आते हैं, ये है सिक्किम, और यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। ये सारे राज्य चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। चीन का ही एक पार्ट है तिब्बत, आप जानते ही हैं, ठीक है। चीन के अथराइज में ही है तिब्बत का क्षेत्र। उसके नीचे ये जो नेपाल है, नेपाल से जो राज्य हमारे देश की सीमा साझा करते हैं वो हैं उत्तराखंड, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हो जाएगा आपका बिहार, और ये वेस्ट बंगाल का भी कुछ क्षेत्र है जो हमारे नेपाल से सीमा साझा करता है। इसके साथ ही सिक्किम, ये सारे जो राज्य हैं वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। भूटान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका ये भूटान से भी वेस्ट बंगाल का कुछ क्षेत्र है जो भूटान से सीमा साझा करता है, और यहाँ पे आपका सिक्किम है, और यहाँ पे आपका पड़ जाएगा आसाम और अरुणाचल प्रदेश, ये सारे चीज़ें भूटान से सीमा साझा करते हैं। इसके साथ अगर म्यांमार की हम बात करें तो बहुत सिंपल है, ये है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आपका पड़ जाएगा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करते। इस तरह बहुत ही इजी वे में आप ओवरव्यू कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। याद करने का कोई शॉर्ट ट्रिक मत यूज़ कीजिए, आप बस मैप के अनुसार ही समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम टाइमिंग में आप बैठे तो आपके दिमाग में मैप हो, और मैप के थ्रू आप बहुत सही ट्रिक कर सकें, क्योंकि वहाँ पर समय बहुत कम मिलता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं आपको हर एक टॉपिक को बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हमने समझा वो क्षेत्र, वो राज्य जो दूसरे देशों से सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे जो श्रीलंका है, ये हमारा पास पाक जल संधि आती है उससे ये जुड़ा हुआ है श्रीलंका, इट मीन्स जली क्षेत्र से जुड़ने वाला जो देश है वो है श्रीलंका। यहाँ पे आपका पड़ जाएगा मालदीव, ठीक है। इधर पड़ जाएगा आपका सुमात्रा,
ये सारे देश हैं जो जलीय माध्यम से भारत से जुड़े हुए हैं या सीमा साझा करते हैं, या आप जिसे पड़ोसी मुल्क भी कहते हैं, इट मीन्स पड़ोसी देश भी कह सकते हैं। तो ये तो हमारा था जो पड़ोसी देशों के बारे में। अब देखते हैं कि हमारी आखिर कितनी सीमा साझा की, भारत कितना सीमा साझा करता है। यह आपका स्थली सीमा कितना साझा करता है और ये तटी सीमा रेखा कितना साझा करता है, तटी सीमा इसके पास भारत के पास कितनी। अगर हम स्थली सीमा की बात करें भारत के पास, तो वो यहाँ से लेकर आप देख रहे हैं ये सारा स्थली सीमा जो दूसरे देशों से लगती है, ठीक है, ये टोटल अगर आप देखेंगे यहाँ तक बांग्लादेश तक, तो ये टोटल जो आ जाएगा आपका 15,200 किलोमीटर स्थली सीमा रेखा होती है जो दूसरे देशों से सीमा साझा करती है। इट मीन्स क्षेत्र से, मतलब दूसरे देशों से, लैंड से जो सीमा साझा हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम, क्योंकि ये भारत जो है एक प्रायद्वीपी देश है। प्रायद्वीप का मतलब होता है वो क्षेत्र जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ। अब तीन तरफ से जल से घिरा है, भारत भी सेम उसी में आता है कि ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। इधर पड़ जाता है आपका अरब सागर, इधर पड़ जाता है आपका बंगाल की खाड़ी, और नीचे पड़ जाता है इंडियन ओशियन, इट मीन्स हिंद महासागर। तो ये बहुत ईजी है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि भारत एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, तो इसलिए इसका जो एक क्षेत्र है ये जो दूसरे देशों से सीमा साझा करता है, स्थली सीमा साझा करता है, वो इसका एक क्षेत्र है वो लगभग करीब 15,200 किलोमीटर स्थली सीमा है, सीमा रेखा है जो दूसरे देशों से साझा करता है भारत। और अगर इसकी तट रेखा की हम बात करें, ये तट रेखा जो आपका जो जल से जुड़ा हुआ है, इट मीन्स भारत के पास जो तट रेखा है, ये तट रेखा जो जल से जुड़ा हुआ है, ये पूरी सीमा की अगर हम बात करें तो ये आता है आपका लगभग 6100 किलोमीटर है ये तटीय सीमा रेखा भारत के पास। जो तट है इट मीन जो समुद्र से घिरा हुआ है वो 6100 किलोमीटर पूरा तटीय सीमा रेखा है भारत के पास। अगर हम इस तटीय रेखा में अगर ये लक्षद्वीप के द्वीपों के भी सारे सीमा रेखा को, तट रेखा को जोड़ दे, ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के सभी द्वीपों की भी तट रेखा को जोड़ दे, तो ये टोटल हो जाएगा 7,516.5 किलोमीटर, ये पूरी तटीय सीमा रेखा हो जाएगी भारत की। तो ये तट सीमा रेखा से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका फैक्ट जरूर याद रखिए आप अपने दिमाग में, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिए। हाँ, कभी कभी इससे और भी कुछ तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हमने देखा ये जो स्थली सीमा रेखा है इसमें कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है कि किस देश के साथ सबसे ज्यादा स्थली सीमा रेखा शेयर करती है, बांटती है भारत। तो सबसे ज्यादा अगर सीमा रेखा, स्थली सीमा रेखा की बात करें तो वो है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश के साथ भारत सबसे ज्यादा स्थली सीमा रेखा शेयर करता है, जो है लगभग 4,096 किलोमीटर की हमारे स्थली सीमा रेखा है बांग्लादेश के साथ। और अगर सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम की अगर बात करें तो यहाँ पे अफगानिस्तान है जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से, इट मीन्स अब लद्दाख है, लद्दाख से करीब 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है सबसे कम। अब हम बात करते हैं, कभी कभी इससे तो क्वेश्चन हो गए, कभी कभी इन तट रेखाओं से कुछ अलग तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि टोटल कितने राज्य हैं जो तट रेखा की सीमा साझा करते हैं। तो अगर कितने राज्य हैं जो तट रेखा की सीमा साझा करते हैं, तो लगभग 9 राज्य हैं। उन 9 राज्यों का नाम कैसे याद करेंगे, एक एक को समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका गुजरात, फिर महाराष्ट्र है, फिर आपका पड़ जाएगा गोवा, फिर नीचे आपका तमिलनाडु, फिर नीचे पड़ जाएगा केरल, इधर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये आपका पड़ जाएगा वेस्ट बंगाल। इस तरह ये 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा रेखा शेयर करती हैं भारत में, ठीक है। अब इसमें तटीय सीमा रेखा में भी पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन कि किस राज्य की सबसे ज्यादा तटीय सीमा रेखा है, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका सही जवाब होगा आपका, ये होगा आपका गुजरात। गुजरात के पास सबसे ज्यादा तट रेखा सीमा है, ठीक है। और सबसे कम किसके पास तट रेखा सीमा है, तो वो है आपका गोवा। गोवा छोटा सा है इसलिए ये इसकी तट रेखा सीमा भी बहुत छोटी सी है, ठीक है, सबसे कम जो शेयर करता है वो है गोवा। तो ये हमने तट सीमा, तटीय रेखा के बारे में बात कर लिया। और इसके बाद
अब जो दूसरा टॉपिक समझना चाहते हैं इसमें, वो देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि अक्षांश कितने होते, मतलब अक्षांश किसे कहते हैं। तो अक्षांश जो होता है, ये पृथ्वी पे जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, आप अच्छी तरह पढ़े होंगे अपने लास्ट क्लासेस में, छोटे क्लासेस में, क्लास 6-7 से ही पढ़ाया जाता है ये सब, ठीक है। फिर भी एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। जो आपकी ये पृथ्वी है, इस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। सबसे पहले पृथ्वी के बीच से जो रेखा खींची गई है, ये विषुवत रेखा, ठीक है। और इस विषुवत रेखा से, इट मीन्स भूमध्य रेखा से, जो हर एक डिग्री पे जो रेखा खींची जाती है, उसे आप अक्षांश रेखा कहते हैं। अब ये हर एक डिग्री पे, इट मीन्स हर एक एंगल पे एक अक्षांशी रेखा खींचा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 90 डिग्री का एंगल बनना है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनना है, तो 90 अक्षांश रेखाएं नॉर्थ में खींची जाएंगी और 90 अक्षांश रेखाएं साउथ में खींची जाएंगी। इट मीन्स उत्तरी 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी होंगी और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होंगी। तो अब समझते हैं भारत की जो अक्षांश रेखाएं हैं, वो हमने, हम जानते हैं कि भारत उत्तरी ध्रुव में पड़ता है, तो इसकी उत्तरी अक्षांश रेखाएं कितनी हैं वो देखते हैं। भारत की अगर मेन लैंड की सिर्फ बात करें, जो भूमि है भारत के पास, सिर्फ उसकी अगर बात करें, तो मेन लैंड का जो अक्षांशी विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। बहुत सिंपल है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक का उत्तरी अक्षांश रेखाएं, सिर्फ इसे जरूर उत्तरी लिखे। यहाँ पे नॉर्थ लिखना बहुत ही कंपलसरी है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं तो उसमें नॉर्थ साउथ करके बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, इट मीन्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशी विस्तार है, ठीक है। अब इस पॉइंट को, जो 8 डिग्री 4 मिनट है, यह आपका कन्याकुमारी से लेकर इंदिरा कौल तक है, ठीक है। सबसे पिक पॉइंट जो होता है भारत का, वो इंदिरा कौल है, ठीक है। अब देखते हैं इसका देशांतरी विस्तार क्या है। तो अब देशांतर को पहले समझ लेते हैं, फिर देशांतरी विस्तार देखते हैं। तो देशांतर की अगर हम बात करें, तो ये पृथ्वी के जो एकदम मध्य से, इसमें जिसे ग्रीनविच लाइन कहते हैं, ये ग्रीनविच लाइन खींची गई है। जस्ट इसके पीछे आप देखेंगे ग्लोब में, तो इंटरनेशनल डेट लाइन होता है, ठीक है। लेकिन ये इस तरफ बीच में से कटा होता है, ऊपर से अगर ऐसे बीच में से कटा है, आधा भाग इधर ईस्ट का हो गया, आधा वेस्ट का हो गया, तो ये ईस्ट की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनना है, ठीक है। अगर ये 180 डिग्री का एंगल बनना है, तो यहाँ पे 180 जो होगी देशांतर रेखा है, पूर्व में होंगी, इट मीन्स ईस्ट में होंगी, और 180 देशांतर रेखाएं वेस्ट में होंगी, इट मीन्स पश्चिम में होंगी। तो मतलब टोटल जो देशांतरी रेखाएं पृथ्वी पे होती है वो 360 होती है। तो 180 ईस्ट पूर्व में, 180 पश्चिम में। तो इस तरह जो हमारे भारत का जो देशांतरी विस्तार है, भारत पूर्वी देशांतर में पाया जाता है, तो इसलिए इसका जो पूर्वी देशांतर का जो विस्तार है वो देखते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इसका देशांतरी विस्तार है, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट, एक बार फिर से देखते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इसका भारत का देशांतरी विस्तार है, बिल्कुल ही इजी है। और इसका जो पिक पॉइंट होता है पश्चिम का, उसे सर क्रीक के नाम से जानते हैं। और इधर 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 पूर्व का जो पिक पॉइंट होता है, लास्ट पॉइंट, वो होता है वालांगू। बहुत सिंपल सा नाम है, इसे याद कर लीजिए। फैक्ट में बहुत बार इससे भी क्वेश्चन बने हैं वनडे एग्जाम में। इसका होता है पश्चिमी जो पॉइंट है उसे सर क्रीक के नाम से जानते हैं, और जो पूर्वी पिक पॉइंट है उसे वालांगू के नाम से जानते हैं। तो इस तरह हमने भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार देखा है। लेकिन जो अक्षांशी विस्तार मैंने आपको बताया है, ये सिर्फ मेन लैंड का बताया है। इसके अलावा भी भारत होता है जो सागरों में डूबा हुआ है, कुछ इलाका भारत का है जो सागर में, जो क्षेत्र भारत का, अगर उसको भी हम ले लें, तो जो भारत का जो लास्ट पॉइंट आता है वो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। बहुत ही सिंपल है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, इट मीन्स इंदिरा पॉइंट। इसका पुराना नाम जो था
वो पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। अब इसे हम 6 degree 4 minute नॉर्थ इट मीन्स इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये हमारा सबसे दक्षिणी पॉइंट है, सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का, जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। और पुराना नाम इसका पिग्मेलियन पॉइंट था, ये नाम भी आप जरूर याद रखिए। कभी कभी एक और भी क्वेश्चन इससे बन जाता है, बहुत ईजी, बहुत बार फैक्ट नहीं याद होते, तो छोटा सा क्वेश्चन एक नंबर का बहुत रोल निभा देता है आपके एग्जाम के लिए। तो ये छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कभी कभी कि जो आपका भूमध्य रेखा है, इट मीन्स ये जो भूमध्य रेखा विषुवत रेखा है, इससे जो इंदिरा पॉइंट की दूरी है वो कितनी है। तो ये लगभग 876 किलोमीटर की दूरी है। इट मीन्स भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर की दूरी है। अब चलिए इसके साथ कुछ और भी फैक्ट याद रखिए आप, क्योंकि बहुत बार इम्पॉर्टेंट होते हैं वनडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो हो गया इंदिरा पॉइंट का हमारा पॉइंट, इसके अलावा भी कुछ चैनल से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मेनली तीन तरह के चैनल्स होते हैं, उसे आप जरूर याद रखिए। पहला होता है हम नीचे से लेके चलते 8 degree चैनल, 8 degree चैनल, 9 degree चैनल और ये 10 degree चैनल। इसको याद करने का एक तरीका है, सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल वे में आप याद कर लेंगे इसे। 8 degree चैनल जो होता है ये मालदीव और मिनिकाय द्वीप के बीच में खींचा जाता है। इट मीन्स 8 degree चैनल का मतलब अक्षांशी रेखा है जो जस्ट 8 degree पे खींचा गया है, वो मालदीव और मिनिकाय द्वीप के बीच से जाती है 8 degree चैनल। इट मीन्स 8 degree अक्षांशी रेखा। और जो 9 degree चैनल जिसे हम कहते हैं, इट मीन्स 9 degree अक्षांशी रेखा जो होती है वो होती है मिनिकाय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच से जाती है। ठीक है, तो सिंपल है, एक बार फिर से देखते हैं। मालदीव और मिनिकाय द्वीप के बीच में 8 degree चैनल है, इट मीन्स 8 degree अक्षांशी रेखा है, और मिनिकाय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में 9 degree चैनल खींची गई है। इट मीन्स 9 degree अक्षांशी रेखा है इसके बीच से होकर गुजरती है। और जो 10 degree है, इट मीन्स 10 degree चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार के बीच से खींचा जाता है। अब ये अंडमान निकोबार में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी इसके नाम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। 10 degree चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच से खींचा जाता है। तो कभी अंडमान निकोबार ऑप्शन में न देकर कभी कभी सिर्फ देता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इनके बीच से आपका 10 degree चैनल खींचा जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ नाम हैं, उनको भी आप जान लें, समझ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समझते हैं, अंडमान ऊपर के जो द्वीप समूह उसको अंडमान के नाम से जानते हैं, और नीचे के जो द्वीप समूह उनको निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। तो अंडमान में जो नेम है, जो पहला नाम दिया जाता है वो उत्तरी अंडमान के नाम से जाना जाता है, ऊपरी द्वीप उत्तरी अंडमान, फिर एक होता है मध्य अंडमान, फिर तीसरा होता है दक्षिणी अंडमान। सिंपल है, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, बहुत सिंपल है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। नीचे आता है चौथा जो है वो है लिटिल अंडमान, छोटा सा है लिटिल अंडमान। ठीक है, सिंपल है। अब लिटिल अंडमान, फिर उसके बाद ये 4 द्वीप आ गए अंडमान में, 3 आएंगे निकोबार में। निकोबार में क्या है, पहला है कार निकोबार, दूसरा है लघु निकोबार, तीसरा है ग्रेट निकोबार। बहुत सिंपल है, बहुत इजी वे में समझिए इसे। पहला है कार निकोबार, दूसरा है लघु निकोबार, तीसरा है ग्रेट निकोबार। ये जो 10 degree चैनल है ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच से ही खींचा जाता है। अंडमान निकोबार नहीं देके कभी कभी इनके नाम दे देते, तो इसलिए आप सभी का नाम याद रखिए। ठीक है, अंडमान निकोबार सभी का नाम याद रखिए। एक और भी चैनल होता है, ग्रेट चैनल के नाम से जाना जाता है, जो भारत की जो ये द्वीप समूह है इनके और सुमात्रा द्वीप समूह जो पाया जाता है उसके बीच में ये ग्रेट चैनल खींचा गया है, जिसे हम ग्रेट चैनल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार। अब देखते हैं जो अक्षांशी विस्तार है, यहाँ से 8 degree 4 minute नॉर्थ से लेकर 37 degree 6 minute नॉर्थ तक,
सिर्फ मेनलैंड की हम बात कर रहे हैं, तो ये पूरा जो डिस्टेंस की अगर हम बात करें कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है, इसमें पूरी दूरी उत्तरी यहाँ से भारत के मेनलैंड का उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो दूरी होती है, डिस्टेंस जो होती है वो होती है 3214 किलोमीटर। बहुत सिंपल है, 3214 किलोमीटर, एकदम याद कर जाइए इसे, बिल्कुल नहीं भूलिए कभी नहीं। और ये है आपका उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो दूरी है भारत की मेनलैंड की, वो है 3214, इट मीन्स 3214 किलोमीटर। चलिए अब हम देखते हैं पश्चिम से पूर्व तक की अगर लंबाई को हम देखें, जो चौड़ाई, सॉरी चौड़ाई है भारत की, पश्चिम से पूर्व तक की जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। बहुत सिंपल है ये भी, 2933 किलोमीटर, इट मीन्स 2933 किलोमीटर। बहुत सिंपल है, दो बार इसे अपने रिवाइज कर लेंगे, दो बार बोलेंगे अपने मुंह से, बोलिए 2933 किलोमीटर। अगर दो बार इसे अपने मुंह से बोलेंगे ये आपको याद हो जाएगा, दो बार तीन बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। ये है आपका 2933 किलोमीटर जो भारत के पश्चिम से पूर्व तक की जो चौड़ाई है। तो ये हो गया हमारा चौड़ाई के बारे में हो गया। ये एक और भी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, कर्क रेखा से क्वेश्चन आते हैं भारत के भूगोल में, जनरली बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं कर्क रेखा से। वो क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कर्क रेखा से, क्योंकि जो कर्क रेखा है वो भारत के बिल्कुल बीच से होकर गुजरता है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इससे किस किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं पहले वो देखते हैं। पहले हम समझते हैं कर्क रेखा और एक आती है मकर रेखा। ये देखिए, जो आपका पृथ्वी है इसके ऊपर 23.5 डिग्री पे एक कर्क रेखा, जो यहाँ पे 23.5 डिग्री पे जो रेखा खींची जाती है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं उत्तर में, और यही 23.5 डिग्री अगर साउथ में खींचे तो इसे हम कहते हैं ये नॉर्थ हो जाएगा आपका, और 23.5 डिग्री अगर साउथ में हम खींचे तो ये हो जाएगा आपका मकर रेखा। ये हो गया आपका कर्क रेखा, ये हो गया आपका मकर रेखा। अब लेकिन हमारा जो भारत है, हमारे जो भारत को कर्क रेखा बीचों बीच काटती है, इसलिए मकर रेखा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन कर्क रेखा से भारत के भूगोल में क्वेश्चन होते हैं कि वो कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, या कौन कौन से शहर हैं जो कर्क रेखा पे आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कर्क रेखा से। तो बहुत सिंपल है, समझ लेते, इसे भी हम देख लेते। 23.5 डिग्री नॉर्थ से एक कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, ये तो क्लियर है। अब जो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है पहले देखते हैं। पहला यहाँ आपको पड़ जाएगा गुजरात, उसके बाद पड़ जाएगा, इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक कभी ना याद करे, मतलब सिस्टम स्टेप बाय स्टेप राज्यों को आप अपने दिमाग में अगर याद रखे हैं, अगर समझते हैं कॉन्सेप्ट है, तो कोई शॉर्ट ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये आपको याद हो जाएगा, दो बार तीन बार इसको रिवाइज करेंगे याद हो जाएगा। देखिए, हर एक चीज का शॉर्ट ट्रिक मत खोजा करिए प्लीज, आप जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो यही प्रैक्टिस आपको एन एग्जाम के टाइम में बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है, क्योंकि जो शॉर्ट ट्रिक है कभी आपको अगर लेटेस्ट है नहीं समझ में आई तो वो याद नहीं रहती एन मौके पे, आपको ये ट्रिक ही आपको एन मौके पे याद आती है एग्जाम पॉइंट ऑफ टाइम में। तो अगर हम बात करते हैं कि आपकी कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो सबसे पहले यहाँ पे है आपका गुजरात, उसके बाद छोटा सा इलाका है राजस्थान का जो शेयर होता है, उसके बाद पड़ता है मध्य प्रदेश, यहाँ पे पड़ जाएगा आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे है त्रिपुरा और मिजोरम। कभी कंफ्यूज मत होइएगा, त्रिपुरा और मिजोरम ये 8 राज्य हैं जो भारत के कर्क रेखा से, मतलब 8 राज्य जो जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है भारत की, ठीक है। अब हम ये जानते हैं भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, वो इन 8 राज्यों से ही गुजरती है। देखते हैं एक बार फिर से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बहुत सिंपल है, एक बार दो बार इसको आप रिवाइज करेंगे हमेशा के लिए ये आपको याद हो जाएगा। तो ये तो था कर्क रेखा। एक जो और क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इसके
ग्रीनविच, ये आपको मेरिडियन टाइम IST से क्वेश्चन बनते हैं। मेरिडियन टाइम का मतलब वो विषुवत रेखा जो किसी भी कंट्री के लिए टाइम का डिक्लेरेशन कर देता है। अब हमने देखा था देशांतरी वो देशांतरी रेखा है जिससे हम टाइम को डिक्लेयर करते हैं किसी भी कंट्री का। तो किसी कंट्री में एक टाइम मेरिडियन होता है, किसी कंट्री में कई कई होते हैं, जैसे रसिया है आपका, अमेरिका है, कहीं 8 है, कहीं 11 है, कहीं 10 है, कहीं 4 है, कहीं 2 है, लेकिन भारत का एक ही टाइम मेरिडियन है, वो है 82.5 डिग्री। हमेशा याद रखेंगे 82.5 डिग्री टाइम मेरिडियन है भारत का। यही भारत का समय का निश्चय करता है, क्योंकि ये जरूरी इसलिए होता है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे जो देशांतरी विस्तार है वो 68.7 मिनट से लेकर 97.25 मिनट तक का है। इट मीन्स लगभग 30 डिग्री का फर्क आ जाता है। अब 30 डिग्री का मतलब हो गया, अगर आप देखेंगे पृथ्वी को, आपको पता है कि 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। पृथ्वी किधर को घूमती है? पश्चिम से पूरब ना, पश्चिम से, ये पश्चिम से पूरब घूम रही है, ठीक है ना। तो एक चक्कर लगाने में पृथ्वी 24 घंटा लेती है, तो पृथ्वी पे जो टोटल देशांतर होती है वो 360 होते हैं। अगर 24 से 360 को डिवाइड करेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा 15 में कितना आ जाएगा? इट मीन्स एक घंटे में 15 देशांतर रेखा। 24 से 360 को डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, इट मीन्स एक घंटे में 15 देशांतर रेखा घूम जाती है पृथ्वी। अब एक घंटे में 15 घूम जाती है तो एक घंटे में 60 सेकंड होते हैं। अब उनको 60 में डिवाइड करके अब 15 से डिवाइड करेंगे, इट मीन्स इससे ये रिजल्ट निकलेगा कि हर चार सेकंड में एक देशांतर रेखा घूम जाती है पृथ्वी। तो हर 4 सेकंड में एक देशांतर रेखा घूम जाती है, सिंपल है। लेकिन यहाँ तो 30 देशांतर रेखा है। अगर 30 देशांतर हम देख रहे हैं कि एक घंटे में 15 देशांतर रेखा घूम जाती, तो यहाँ पे 30 देशांतर रेखा का अंतर है भारत के पूरे टोटल जो लैंड है उसके बीच में। तो यहाँ पे 2 घंटे का अंतर आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में। इसलिए कोई एक टाइम मेरिडियन डिक्लेयर करना किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो पूरे देश में वही समय की गणना, उसी टाइम मेरिडियन से समय की गणना की जाती है। तो भारत में जो टाइम मेरिडियन डिक्लेयर किया गया वो 82.5 डिग्री। अब ये क्वेश्चन बनता है इस पॉइंट से कि ये जो टाइम मेरिडियन है 82.5 डिग्री वो किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, और इसमें अगर हम देखें तो किन किन राज्यों से ये टाइम मेरिडियन होकर गुजरता है, तो सबसे पहले है आपका यूपी, इसके बाद नीचे पड़ जाएगा आपका MP, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। याद करने का सिंपल ट्रिक इसका है ये कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, बीच में पड़ता है आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है, सिंपल है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, 2 राज्य ऐसे हैं, बाकी 3 में प्रदेश लगे हुए, सिंपल है, याद करना। एक चीज और, यहाँ पे कभी कर्क रेखे से कुछ शहर के बारे में पूछ लेता है, कौन सा शहर कर्क रेखा पे पड़ता है, तो ये झारखंड का रांची जो है वो आपके बिल्कुल कर्क रेखा के पास ही है। दूसरा आपके MP में जो भोपाल है वो भी थोड़ी सी दूरी पे है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसके करीब में ही पड़ता है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्वेश्चन में ऑप्शन में देकर पूछ लेते इस तरह के सवाल, ठीक है। तो हमने ये आपका कर्क रेखा देख लिया और ये आपका टाइम मेरिडियन भी देख लिया, तो इससे जो क्वेश्चन बनते वो भी हमने देख लिया। अब जो हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है, इसमें एक दो और पॉइंट बचे हुए हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। पहले ये रेखा के बीच में देखते हैं, ये दो देशों के बीच में जो रेखाएं बनती हैं उनको समझ लेते हैं। 2-3 रेखाएं हैं, बहुत सिंपल है, आप समझ लेंगे बहुत ईजी वे में। पहला जो है ये डुरंड रेखा, ये खींची गई थी 1896 में, सर डुरंड के नेतृत्व में ये रेखा खींची गई थी। लेकिन ये जब डुरंड रेखा खींची गई थी उस समय ये अफगानिस्तान, इधर अफगानिस्तान और इधर भारत के बीच में खींची गई थी, लेकिन अब वर्तमान में जो है ये पाकिस्तान बन गया, तो इसलिए अब ये डुरंड रेखा वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये रेखा खींची गई। कौन सी रेखा? डुरंड रेखा। और पाकिस्तान और भारत के बीच में जो रेखा खींची गई है 15 अगस्त 1947 को, आपको पता है जब देश दो भाग में बैठा, तो इस समय जो रेखा खींची गई
भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ इनके बीच में सर रेडक्लिफ ने एक रेखा खींचा था, रेखा का निर्धारण किया, उसे हम रेडक्लिफ रेखा कहते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में खींचा गया। तीसरा जो रेखा है चीन और भारत के बीच में, वो है मैकमोहन रेखा। अब मैकमोहन रेखा जो खींची गई है, ठीक है, सर मैकमोहन के द्वारा ये उनके नेतृत्व में ही ये रेखा खींची गई, ये चीन और भारत के बीच में खींचा गया था सन 1914 में। बहुत सिंपल है, ये तीन रेखाओं से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब एक और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया है, बहुत छोटा सा, बहुत इजी वे में हम समझ लेंगे। भारत का ये मेनलैंड जो है, जो भूमि है, इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र होते हैं, उसके लिए भी कानून बने। इट मीन्स हर देश के अपने मेनलैंड के अलावा समुद्र में भी कुछ क्षेत्र होता है जहाँ के उनके अपने अधिकार होते हैं, जहाँ पे वो टैक्स वसूल कर सकते हैं, जहाँ पे वो सफाई कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत तरह की एक्टिविटी होती, उसके लिए भी कुछ नियम बने। उन नियम को समझ लेते हैं। अगर आप ये नक्शे में देखेंगे भारत को, ये तटरेखा तो बहुत कटा पिटा होगा, ठीक है। अब इन तटरेखाओं को, कटा पिटा जो है, इसको हम एक सीधी रेखा खींच लेते। ये जो सीधी रेखा यहाँ से खींचते हैं, इसे हम आधार रेखा कहते हैं। अब ये आधार रेखा है, अब आधार रेखा के इधर जल होगा और अंदर होगा, तो जो अंदर जल होता है उसे आंतरिक जल कहते हैं, लेकिन जो आधार रेखा के बाहर होता है उसमें भी कुछ रेखाएं खींची गई, उनको समझते हैं। आधार रेखा से 12 समुद्री मील दूर पे एक रेखा खींची गई, और ये जो क्षेत्र होता है आपका प्रादेशिक समुद्री सीमा के नाम से जाना जाता है। बहुत सिंपल है, प्रादेशिक समुद्री सीमा कहाँ से, हमारे भारत के आधार रेखा से 12 समुद्री मील पे खींची गई है। अब ये प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है, ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे भारत को अधिकार है किसी भी तरह का टैक्स वसूलने, इट मीन जो भी सिप जो यहाँ पे जहाजें जो भी गुजर रही हैं, जो समुद्री जहाजें जो गुजर रही हैं, उनसे टैक्स वगैरह वसूलने के लिए ये भारत का यहाँ पे अपना अधिकार क्षेत्र है। दूसरा जो रेखा खींची गई है वो है इस प्रादेशिक समुद्री सीमा रेखा से 24 समुद्री मील दूर पे एक संलग्न क्षेत्र है, ठीक है। ये जो रेखा खींची गई है वो संलग्न क्षेत्र बनाती है, ये कहाँ से, प्रादेशिक समुद्री सीमा से 24 समुद्री मील की दूरी पे स्थित है। अब यहाँ पे भी भारत, इंडिया गवर्नमेंट क्या कर सकता है, यहाँ पे साफ सफाई का अधिकार है, यहाँ पे भी टैक्स वसूल सकता है, इस तरह के कुछ अधिकार दिए गए हैं भारत को इन क्षेत्रों में जो हमारा कहलाता है संलग्न क्षेत्र। इससे भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, बहुत कम लोग इसको जानते हैं, लेकिन इन सब छोटे छोटे पॉइंट से भी कभी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो एक नंबर दो नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बस देखते हैं, ये है प्रादेशिक समुद्री, हमने देखा आधार रेखा से 12 समुद्री मील पे प्रादेशिक समुद्री सीमा है, और प्रादेशिक समुद्री सीमा से 24 समुद्री मील पे संलग्न क्षेत्र हमारा, और संलग्न क्षेत्र से 200 समुद्री मील पे अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, जहां पे भारत को मिसाइल परीक्षण करने के लिए, या आप कह सकते हैं नए द्वीप बनाने के लिए, बहुत सारे क्षेत्र है। अगर कोई भी आर्टिफिशियल द्वीप बनाना चाहता है भारत, तो बना सकता है इन सारे क्षेत्रों में। इसको EEZ इलाका भी कहते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिकली रूप से ये इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, ऐसे हर कंट्री के पास है, चाइना के पास भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ नए नए द्वीप बना रहा है। तो ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये आपका याद रखेंगे हमेशा। एक पॉइंट जो याद रखने लायक है वो ये है कि यहाँ से प्रादेशिक समुद्री सीमा जो होती है वो आधार रेखा से खींची जाती है, संलग्न क्षेत्र जो होता है वो प्रादेशिक समुद्री सीमा से 24 समुद्री मील खींची जाती है, और जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, इट मीन्स EEZ का जो इलाका आपका, वो संलग्न क्षेत्र से 200 समुद्री मील की दूरी पर खींचा जाता है। तो इस तरह हमने इसे समझने की पूरी कोशिश की, और इसके बाद का जो इलाका होता है वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आता है, इट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे अधिकार क्षेत्र होता है, ठीक है। चलिए, हमने ये समझने की कोशिश की, ये पूरा इलाका है, यहाँ पे आपका भारत और भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि पाई जाती है, ये भी हमने आपको बताया, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि अब मेरा कोई टॉपिक इसमें छूटा रह गया है, आपको हर एक टॉपिक बहुत ही इजी वे में समझाने की मैंने कोशिश की, और
मुझे लगता है कि बहुत कुछ आपने इस वीडियो में समझा होगा, सीखा होगा और अच्छे से एंजॉय भी किया होगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ आपके साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारा ज़रूर वेट कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए, हमें बिल्कुल बहुत अच्छे से सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जाते जाते, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे पहले सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।